पंजाब सरकार लोगों को सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे करती आ रही है। पिछले दिनों पंजाब सरकार ने मंत्रियों के विभागों की फेरबदल भी की थी, लेकिन नए सेहत मंत्री बनाने के बावजूद भी लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर बात की जाए तो फाजिल्का जिला अस्पताल में सेहत सुविधाएं आमजन को नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ ना तो डॉक्टर पूरे हैं और ना ही डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं। हाँ जी, जेड़े कि अज देखा जाए तो असी सिविल अस्पताल विच खड़े हाँ फाजिलका दे, ते इतों के जेड़े हालात ने वो तो बड़े ज़्यादा बुरे हालात ने इतों के। जिमें कि मरीज सवेर दे जिमें कि इतने मुड़ी जाते वापस जाई जा रहे ने। जे कोई आम मरीज भी इतने आंदा है जिमें खून का टैसट कराता, वो कहते कि उन्हां दी मशीनां नहीं खराब पईआं ने, वो टैसट नहीं हो रहे। तो दूसरा दावा किया जाता इतने वड्डा कि पूरे पंजाब विच फाजिलका जिहड़ा शहर हैगा उत्थे 3 करोड़ की जिहड़ी कि सीटी स्कैन मशीन हैगी है, सरकार दावा कर दिता है, पर इहदे विच ना वो किसी का नहीं करके दे रहे। किसी भी मरीज का सारिया वापस भेज देंदे ने, कहिंदे कि जिहड़े उहदे विच फिल्मां पैंदियां ने सीटी स्कैन दीआं, उहनां दे फिल्म खराब हैगी है, उहदे विच है नहीं गिया इन्हां कोले, तां करके ओपरेट नहीं करदे, ते बहुत ज़्यादा मरीजां नूं खराब करदे ने। ते दूसरी चीज़ कि जिधर ओपरेशन थिएटर हैगा इत्थों दा हस्पताल दा, उन्दे विच एसी जेड़ा कि एसी तक नहीं काम करदा, ते साफ सफाई दा भी बुरा हाल है गया सारे हस्पताल विच। आम जेड़े हैगे गरीब उन्हां दी तां कोई सुनदा ही नहीं, इत्थे तक कि डॉक्टर भी उन्हां कोले कदी आंदे आंदे है कदी नहीं आंदे। ते दवाइयां मिल जांदियां इत्थों जी, दवाइयां जिथे तक दिता जावे ते डॉक्टर एक पर्ची बना के दिंदा है जेड़ी कि देखी जावे, ते वह पर्ची हुंदी है बाहर दी, ते बाहर ही इन्हां दे किते हफ्ते बाहर दी दुकाना ते डॉक्टरां दे लगदा, मैनू तां कि उन्हां दे हफ्ते मुके होए ने, तां करके वह बाहर दी पर्चियां बना के दे रहे ने। ते आम तां इत्थे मैं तां नहीं देखिया कि अज तक भी इत्थे कि कोई भी मरीज़ नूं अंदरों दी कोई दवाई मिली जावे, ते सरकार तां इत्थे कोई ध्यान नहीं दे रही ने, ते मरीजां दा तां कोई बुरा हाल हैगा इत्थे, ते किसे तरह दी कोई सुविधा नहीं इत्थे दिखाई दे रही। बस पैसे बनाने दे चक्कर विच सब लगे हुए ने, ते दवाइया मरीज कोई मरीजा नूं नहीं मिल रही, ना इत्थों दी कोई मशीनरी कोई काम कर रही। बस कदी देखा जाए तो इत्थे दा स्टाफ भी जिहड़ा कि पूरा नहीं हुंदा, कई वारी खाली पए रहिंदे कमरे, ते कुल मिला के तो इत्थे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है गया मरीज़ का। सरकार नूं ध्यान देना चाहिए फाजिलका दे सिविल हस्पताल वल कि इहदे सुधार किया जाए। ते जे सवेर दा मैं बीकानेर मैं राती 10 बजे चलिया वा, मैं तड़के इत्थे 7 बजे दा आया होया, 7 बजे तो लैके हुण तक कोई डॉक्टर बचे कोल नहीं गए। हुण उह दूजे मैम गए ने, उन्होंने थोड़ा वेख्या, उन्होंने कहा भी तुसीं लाइन च दोबारा फिर लगो, जे ना तुहाडी सुन फिर तुसीं मेरे कोल आओ। दवाइयां तो इत्थों ही दे रहे हैं, दवाइयां टैस्ट भी इत्थों होए ने। सवेर दा इन्हां नूं इन्नी हारी कहता भी बच्चे का बुखार कंट्रोल क्यों नहीं हुंदा पिया गा, भी डॉक्टर का फर्ज है जाके चैक तो करना, हाले तक चैक नहीं किया। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 12 'ਚ ਚੱਲੋ, 19 'ਚ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੜਕੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡੀਲ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਵੋਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਵੋਟਰੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਸ ਹਲੇ ਲਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਿਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की कमी है। हर एक जो ENT के डॉक्टर हैं, आई के डॉक्टर हैं, जो पीडियाट्रिशियन दो चाहिए, एक की पोस्टिंग है, और गायनेकोलॉजिस्ट एक भी नहीं है। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट जो है उन सब की पोस्टिंग होनी चाहिए ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। नहीं, दवाई पीछे से नहीं आ रही, काफ़ी दवाइयाँ आई हुई हैं। हम वो जो दवाइयाँ हमारे को सप्लाई होती हैं बठिंडे से, वो हम प्रोवाइड करते हैं। सीटी स्कैन मशीन का इशू है कि सीटी स्कैन मशीन का एक AC खराब हुआ हुआ, वो ठीक करवाने के लिए कह दिया गया है ताकि फंड्स जो हैं वो DMC ऑफिस से या पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन से हमें आएंगे तो हम वो AC ठीक करवा देंगे और सीटी स्कैन मशीन चालू हो जाएगी। वो मशीन 5.5 लाख रुपए की नहीं है और जो उस पर खर्चा होना है वो 80,000 रुपये होना है, तो वो प्रपोजल हमने भेज दी है ताकि वो मशीन ठीक हो जाए। नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स के तो पूरे हैं, कभी नहीं है। हाँ जी, उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में। हाँ जी, ये मैं इंश्योर करता हूँ कि आने वाले 6 महीने में ये काम पूरा मुकम्मल कर लिया जाएगा। जब हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे तो उस समय तक हमारे पास हर तरह की मशीन और सहूलत दोनों होगी और हर तरह के गरीब जो पेशेंट्स हैं उनको जो सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री की तरफ से आयुष्मान भारत की तरफ से जो योजना बनाई गई है उसमें भी सारा जो इंश्योरेंस के स्कीम के अंडर वो पूरा किया जाएगा।